हेलो दोस्तों, मैं तेजस। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल तेजस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूवी लाइट के बारे में दोस्तों मतलब आज मुझे वीडियो बना रहा हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यूवी लाइट क्या है, यूवी लाइट हार्मफुल है या फिर यूजफुल है, इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले गूगल बाबा को पूछते क्वेश्चन, व्हाट इज यूवी लाइट। भाई हो गया सर्च। According to Wikipedia, ultraviolet is a form of electromagnetic radiation with wavelength from 10 nanometers to 400 nanometers, shorter than that of visible light but longer than X-rays. तो भाई ये कह रहा है गूगल बाबा, मतलब अल्ट्रावायलेट, जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो एक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। तो ये भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव्स के अंदर ही आता है भाई। तो यहाँ पर ये विजिबल होता है, तो यहाँ पर देखते हैं इमेजेस में क्या बोल रहा है। ये देखो भाई, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहा होगा कुछ इसी तरह से। दोस्तों ये है दोस्तों यहाँ पर, और एक मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कि जो मतलब और भी कई ज़्यादा यूज़ में इसका काम किया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि हम जो फिल्टर्स होते हैं, ये केंटारो जो आ रही है वो कौन से एक्टर वो प्रमोट करते हैं, तो वो वाला केंटारो दोस्तों उसके अंदर यूवी लाइट का यूज़ किया जाता है। लेकिन भाई उसके अंदर डिसएडवांटेज है, वो सारे बैक्टीरिया को मार देता है, गुड बैक्टीरिया भी बैड बैक्टीरिया भी, उसका इफेक्ट बुरा ही होता है दोस्तों। यहाँ पर और एक बात आ रही है, कोरोना वायरस जो है वो शायद मर सकता है यूवी लाइट से। अब तक रिसर्च नहीं की गई है दोस्तों यहाँ पर, ऐसा उन्हें साइंटिस्ट को शायद लगता है। क्या पता कब करेंगे रिसर्च। और भाई जो यूवी लाइट है उससे मतलब हमारा जो डीएनए है वो खराब होता है भाई, तो वो बहुत ही खतरनाक बात है। तो अगर आप मतलब अगर आपने ओवर यूज़ किया तो भाई आंखें भी खराब हो सकती हैं, तो ये भी यूवी लाइट का डिसएडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज से एडवांटेज उसका ज़्यादा है। तो ये जो है भाई अल्ट्रावायलेट रेज विजिबल लाइट के फॉर्म में, मतलब सबसे पहले हमारा शॉर्ट वेव आती है जो कि कब यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद टीवी की रेज आती है, जो डिश टीवी रहती है एयरटेल वोडाफोन वगैरह की। उसके बाद जो एफएम रेडियोज रहते हैं उनकी रेज सिर्फ वन होती है, क्या पता वन, और रडार की होती है 10। और भाई उसके बाद आता है इन्फ्रारेड रेज मतलब जो यही हमारा अल्ट्रावायलेट रेज इन्फ्रारेड रेज में ही आता है भाई। और अल्ट्रावायलेट रेज में बहुत सारा कुछ आता है, और उसके ऊपर एक्स रेज, उसके ऊपर गामा रेज दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत मतलब बहुत प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ले रखे इन्होंने। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय दोस्तों, यहाँ पर लाइटिंग का मैंने सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर करता था। तो यहाँ पर करता था भाई मैं पहले शूट, लेकिन भाई अभी मैंने बोला कि हमें लाइटिंग के इफ़ेक्ट है पीछे का छोड़ दो, मुझ पर ही ध्यान देना सिर्फ। बाय दोस्तों, और यहाँ पर क्वालिटी अच्छी ही आ रही होगी साउंड की। तो बस दोस्तों बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत करता हूँ। बाय, जय हिंद जय भारत, बॉयकॉट चाइना।